गाइज हमारे जितने भी हेटर्स है ना वो मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ ही जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक मेरा हेटर बैठा है यहाँ पे। ये भी लाइफ है गाइज, घर से दूर पढ़ना। सामान देखो गाइज, डिक्की भी भर रखी है और पीछे देखो कैसे। मेरे भी कल नू बच्चे ने पढ़ना वा। पांच तो होंगे, दो डॉक्टर, दो सीए, दो इंजीनियर, दो इंजीनियर, दस हो गए, दो चोर। तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ, और आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि अभी मैं जा रहा हूँ पटियाला कुछ जरूरी काम से। मैं ही जा रहा हूँ, निधि, आदू या मम्मा इनमें से कोई भी नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ मासी उनों के साथ, अपने कुछ काम है वो आपको रस्ते में बताता हूँ। आदू को इंस्टीट्यूट है जो मेरा दोस्त छोड़ाएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे से ज़्यादा कई लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इस बारे में। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि बोलेंगे लोग तो आदू का कौन छोड़ने जाएगा, कैसे जाएगा, छुट्टी मत कराओ ऐसे, तो मेरा दोस्त छोड़ाएगा, इसलिए क्लियर कर दिया मैंने पहले। तैयार बैठा है भाई ये, अंकल आ रहे हैं। चलो ठीक है धर्मपत्नी जी, ओके बाय बाय, ओके ओके जी, बाय बाय, ठीक है जी, बाय बाय। तीन लेमन कर दो बाबा जी। तो अभी हम लोग पटियाला इसलिए जा रहे हैं बिकॉज एक तो मेरे को थोड़ा सा काम है पटियाला में, और दूसरे नंबर पे आज वासु के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, वासु को पिक करने जा रहे हैं एंड उसका हॉस्टल भी चेंज होना ना, तो मेरे को एक दो काम थे। मैंने कहा यार मसी जी मैं भी साथ में चल पड़ता हूँ, है ना, तेल के पैसे बच जाएंगे साढ़े भी। समझ रहे हो आप। वैसे पेट्रोल सरकार ने बहुत महंगा कर रखा है। अभी रुके थे हम लोग कुछ पीने के लिए। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, और जब भी आप लोग कहीं जाते हो ना तो रास्ते में कोई बुजुर्ग बंदा कुछ चीज बेच रहा हो तो ले लिया करो यार, उनकी हेल्प हो जाती है। तो गाइस पटियाला पहुंच गए हम लोग, और ये श्री दुख निवारण गुरुद्वारा साहब, हमने यहाँ से जाना है थापर यूनिवर्सिटी। तो लो भाई गाइस थापर यूनिवर्सिटी हम लोग पहुंच गए हैं। गाइस कम उम्र के दिखने के फायदे अभी मैं बताता हूँ। गेट पे हमसे पूछा कहाँ पे जाना है, हमने बोला कि इस हॉस्टल में जाना है, तो उनको लगा मैं ही जवाक हूँ, बच्चा हूँ, ये मेरे को छोड़ने आए हैं। ये भी फायदे होते हैं कभी कभी, कम उम्र का दिखने। एक दिन पता किया अंकल, मैंने ना गाइस पेंट कोट सिलाना था, तो मैं कपड़ा देखने चले चला गया, तो वहाँ ना मेरे को कपड़ा महंगा लगा, काफ़ी महंगा दस रही, तो मैं जान के ना मम्मी ने फोन लगा लिया। मैं क्या मम्मी ऐदा ऐदा तुम बस दो मिनट गल कर लो, मैं जाके अंकल नु गया बाचो, मैं क्या अंकल जी अद्धी थोड़ा मूह बना, मैं अंकल जी मम्मा ना मना कर रहे, इन्ना महंगा नहीं लेना है। कहना बेटा अगे तो ना मम्मा तो पुछ के आना, जा उन्होंने नाल लेके आना। मैं ठीक है अंकल जी। तो गाइस कम उम्र का दिखने का भी ये फायदा है। इस माहौल तो बढ़िया है यार अंदर यूनिवर्सिटी का, ये वाला हॉस्टल है वासु का। ऐसे सूट केस लेके आने पड़ते हैं, मेरे को भी अभी ना शिक्षा लेनी चाहिए, सामान समून लेके आना, मेरे भी कल नू बच्चे ने पढ़ना वा। पांच तो होंगे। ओ भाई पांच क्यों अंकल, 11 बार क्रिकेट टीम, दो डॉक्टर, दो सीए, दो सही गल, सीए जरूरी है अंकल, सीए भी जरूरी है, डॉक्टर भी जरूरी है, दो इंजीनियर, दो इंजीनियर, दो चोर, दो बेरोजगार है। हमारे बच्चे का सामान आ गया, देख सकते हो कितना सामान है इसका, बाल्टी में लगा धोती ने इन्हें, वाइट तो काला कितना है, वीडियो में नहीं लग रहा लेकिन काला हुआ है ये बिल्कुल। ये भी लाइफ है गाइस, घर से दूर पढ़ना। मैं ना बैग पकड़ाने आया अंकल को, रिसेप्शन पे अंकल बैठे हैं, पता अंकल की कहते, कहते बेटा एंट्री करके जाइए अपनी, हॉस्टल ऐदा नहीं छड़ना। मेरे को जवाब समझ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहा हूँ। तुको ना पिक कर लिया है, और सामान देखो गाइस, डिक्की भी भर रखी है और पीछे देखो कैसे। गाइस हमारे जितने भी हेटर्स है ना वो मेरा पीछा करते करते यहाँ पे आ ही जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक मेरा हेटर बैठा है यहाँ पे। तो ये है गाइस थापर की कॉस, लो आपको आज थापर यूनिवर्सिटी घुमा रहे हैं हम लोग, यही हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, अभी कॉस में बैठेंगे कुछ खाएंगे पिएंगे, हम जा रहे हैं चाय नगरी है। लो भी फ्री की प्रमोशन करते हैं, चार चाह लाओ फ्री की निकल। इन्ना का हक बनता है। अदर स्टेट्स में बोलते हैं कि यार गर्मी बहुत है कुछ ठंडा पी लेते हैं, पंजाब में बोलते हैं यार चाय बना लो गर्मी में भी, क्योंकि गर्मी गर्मी को मारती है। बात तो सही है। ओहो गाइस साडे लिए इन्नी खेचल, कार लेके आए हैं हम, हेलीकॉप्टर से कल परसों जाएंगे, आज नहीं जाना। और तेरी पढ़ाई वधिया चलदी पई है? सब वधिया। ओनली फॉर फीमेल्स, असी माड़े हैं मुंडे। इन्होंने ना बर्थ बना रखी है, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगा बिकॉज म्यूजिक चल रहा है। चाय पियेंगे अंकल अपा? हैप्पी बर्थडे गौरी। ये वक्त भी गुजर जाएगा इसलिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, ये समा फिर नहीं आएगा। बच्चों ने अपनी यादें लगा रखी हैं गाइस यहाँ पे। तुम यही कुछ करके आने होंगे? मैं ऐसे गेम्स खेल रहा हूं, मैं ऊनो है। अच्छा
ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मंगवाए हैं सैंडविचेस और चाय हमारी आ रही है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। तू तो खाना है ना रोज ही नहीं मतलब मजेदार। तो गाइस अपनी चाय भी आ गई है, इतनी गर्मी से चाय पींदा की मोटिव अंकल अपना इसको पसीना है ना। कोई से लाइट भी चली गई है और पसीने पसीने हो रहा आएगा, पसीना से शरीर गीला होगा, ठंडक ठंडक महसूस होगी, पसीना आएगा, सारी गंदगी निकलेगी। हम दूर का सोचते हैं गाइस टेस्ट कितना बढ़िया चाय लग रही है। चाय मजाक दी चाय देख रही यार। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं नाबा, नाबे हम लोग आए हैं स्पेशल गोलगप्पे खाने के लिए। डेडिकेशन देख रहे हो, क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे फेमस है। अंकल होनी बेसिकली नाबे ही रहते थे पहले लुधियाने, बाद में शिफ्ट हुई और अंकल हमें यहाँ की गलियाँ घुमा रहे हैं। ये है स्कूल, पीवीएस स्कूल, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का, वहाँ की बैक साइड है। बैक साइड ही अंकल है, बैक साइड। ये वाला स्कूल गाइस बहुत फेमस है, पीपीएस। तो ये नाबे का गाइस गवर्नमेंट स्कूल है। आज सारा नाबा भी घुमा देना था लड़कों का। बैल भी मिलती है किला शुरू हो जाती है ये सामने। तो ये है गाइस नाबे का मशहूर किला, नाबा किला गाइस। ये देखो जो इसका इतिहास है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, पढ़ लो तुसी। ये सारा किला ही है एंड तक का किला, ये सारा किला है ना, मेन किला ही है। ये दीवार है किले की। अच्छा, किले की दीवार है। गंद वो पै रखे। हेलो, बरगद बरगद। हाँ कितना गेट लग रहा है, गेट आ गिर जाते हैं। रात नु आयो फिर पता लगे 1 बजे। जयपुर क्यों जाना गाइस नाबे आओ घूमने। वैसे अंकल देखा जावे तां एक किला चलदा कर सकदे आ, पर मेंटेनेंस नहीं वगैरह। हां जिवें हुण आपां जयपुर वगैरह जांदे उत्थे भी तां किले ही ने कोई है। अंकल चंद्रिका ओ बरगद पेड़ को रात नू आवे बंदा भी फिर पता लगे हना डर लगूगा। मैं नाबा हाँ, मैं तुहाडा हाँ, मैनूं साफ रखो। तो गाइस अभी जो हम लोग काम था वो हम लोगों ने कर लिया है, नाबे च काम सीगा अपा नु बेसिकली। और अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ के स्पेशल गोल गप्पे खाने के लिए। खवाओ फिर अंकल। है नी गोल गप्पे वाला? गोल गप्पे वाला नहीं। अच्छा फिर केड़ा नहीं? अच्छा अंकल का दोस्त। और गाइस नब्बे की खास बात ये है कि यहाँ पे जो लक्कड़ का सामान मिलता है ना, क्वालिटी वाइज काफी फेमस है और अच्छा भी मिलता है यहाँ पे। रश है गाइस, और ये गाड़ी वाले को देखना, हम लोग क्या बेवकूफ है यहाँ पे। ये देखो एक और गया, एक और चले, एक और चले, एक और समझ। अब उधर जो सामने से आएगा वो फंस जाएगा, ये एक और जा रहा है। मतलब ना यार लोगों में पेशेंस ही नहीं है यार, आप लाइन में लगो, सब लोग लगे हुए हैं। ये देखना आते ही जा रहे हैं पीछे से। अब जो सामने सोधर वाली लाइन से आएगा वो उसको जगह कैसे मिलेगी। यही गल ना बढ़िया नहीं लगती। उस दिन लास्ट टाइम जब हम बठिंडा गए थे ना, यही बात पे मेरे को गुस्सा आया था उस वक्त भी, मेरे को ये बात पे ना बहुत गुस्सा आया। तो गाइस ये मार्केट में आए थे, यहाँ गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, तो हमने हॉस्पिटल में गाड़ी लगा दी। 20 रुपए दो और अपनी गाड़ी सेफ रखो। तो यहाँ के गोलगप्पे खाएंगे अभी हम लोग। मासी होनी हर बार आते हैं ना यहाँ खाते हैं, कह रहे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मजेदार। आप लोग डिवाइडर चेक करो, ये जितनी भी व्हीकल्स खड़े हैं ना, ये सारे डिवाइडर के तौर पे बना रखे हैं। क्या दिमाग लगा रखा है, पार्किंग की पार्किंग और डिवाइडर का डिवाइडर बन गया। पार्टीशन अच्छी है ताकि रश ना लगे। तो गाइस मैं घर पहुंच गया था और उसके बाद मैंने खाना खुना खाया यार, और अभी यार एडिटिंग करूंगा। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूं। आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।